केटीसी के द्वारा आज आपको जोहारा एंटी एजिंग रेजिम के बारे में बताऊंगी। हम सब चाहते हैं कि हमारा स्किन फ्लॉलेस हो, सॉफ्ट एंड स्मूथ हो, एंड हम हमेशा चाहते हैं कि हम यंग दिखे। तो व्हाई नॉट द एंटी एजिंग रेजिम विच वी हैव फ्रॉम जोहारा। तो चलिए हम आपको इस प्रोडक्ट्स के थ्रू ले जाते हैं। सो जोहारा एंटी एजिंग रेजिम। सो हम अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एजिंग क्या है। सो हम जानते हैं कि एजिंग में देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजिंग, जिसे हम अंदरूनी एजिंग कहते हैं और बाहरूनी एजिंग कहते हैं। तो अंदरूनी इज द इंट्रिंसिक फैक्टर्स ऑफ एजिंग और बाहरूनी जो है वो है एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स ऑफ एजिंग। सो नेचुरल एजिंग प्रोसेस जो है ये 20 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स का अगर इस्तेमाल भी करना चाहे या हम हमारे चेहरे की देखभाल अगर करना भी चाहे तो हम अराउंड 20 एज के आसपास स्टार्ट करें। तो अब लेट अस सी व्हाट आर द इंट्रिंसिक फैक्टर्स ऑफ एजिंग। तो जैसे मैंने बताया कि देर आर टू फैक्टर्स ऑफ एजिंग, एक है अंदरूनी और एक है बाहरूनी। तो ये अंदरूनी फैक्टर्स क्या है? सो अंदरूनी फैक्टर्स को हम क्रोनोलॉजिकल एजिंग या एंडोजीनस एजिंग भी कहते हैं। तो ये ऐसा एजिंग है जो हम इनहेरिट करते हैं अपने जीन से। तो ये जेनेटिक है। तो शायद हमारे फैमिली में देर इज़ अ हेरिडिटरी के लोग जल्दी से कम उम्र में ही उनको रिंकल्स आ जाते हैं या एजड दिखने लगते हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। और नेचुरल एजिंग प्रोसेस है। तो नेचुरल एजिंग प्रोसेस इज प्राकृतिक उम्र बढ़ने की प्रक्रिया। तो हम जानते हैं कि नेचुरली जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो वो एजिंग प्रोसेस हमारे चेहरे पे बहुत ऑब्वियस हो जाता है। लेस कोलेजन, मतलब देर आर दो स्किन प्रोटीन्स हैं जिसे हम कोलेजन और इलास्टिन कहते हैं। तो कोलेजन की कमी और इलास्टिन के कमज़ोर होने के वजह से भी हमारे चेहरे में एजिंग के फैक्टर्स दिखने लगते हैं। तो नई सेल्स की जो डेवलपमेंट होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो स्लो डाउन हो जाती है और उसकी फ्रीक्वेंसी या विकास बहुत कम हो जाती है, जिसके वजह से ये स्किन एजिंग बहुत ऑब्वियस हो जाता है। उसके अलावा शरीर में फैट का खोना, कमज़ोर हो जाना और हड्डियों का सिकुड़ना, हार्मोनल चेंजेस इन दी बॉडी और त्वचा की सूखी हो जाना, फर्मनेस कम होना और रेडियंस कम हो जाना, ये सारे फैक्टर्स स्किन एजिंग को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अब हमने देखा कि इंट्रिंसिक एजिंग क्या क्या है। तो अब हम देखते हैं कि ये बाहरूनी या एक्सट्रिंसिक कॉसेस ऑफ एजिंग क्या है। तो हम जानते हैं कि जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारी त्वचा पहले एक्सपोज जो होती है वो है सन रेज के लिए। तो समय से पहले उम्र बढ़ने का एक मेन रीज़न होता है सन एक्सपोजर। फिर हम ये भी देखते हैं कि फैक्टर्स लाइक प्रदूषण या धूम्रपान, तो वो जो स्मोक होता है, जो पोल्यूटेंस होता है, वो जब हमारे चेहरे पे पड़ता है उस वजह से भी एजिंग बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। इसके अलावा नींद की स्थिति, तो अगर आप ठीक से सोते नहीं हैं रात को तो आपके आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, आँखों के नीचे सूजन आ जाती है, तो ये सारे फैक्टर्स भी एजिंग के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा झुर्रियों का आना और सूर्य के किरणों को एक्सपोज करने पर भी त्वचा रूखी हो जाती है। तो ये हमारे एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स ऑफ एजिंग है। तो चलिए अब देखते हैं कि एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स कितना कंट्रीब्यूट करता है एजिंग के लिए और इंट्रिंसिक फैक्टर्स कितना कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम देखते हैं तो 80% जो है वो हमारे एनवायरनमेंट, वातावरण, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं उसके, और हमारी जीवन शैली या जिसे हम लाइफस्टाइल कहते हैं उस वजह से होता है। और इट इज़ और बस 20% नेचुरल एजिंग प्रोसेस होता है, जिसे हम हेरिडिटी कहते हैं या नेचुरल एजिंग प्रोसेस कहते हैं। तो अब चलिए हम देखते हैं कि इस एजिंग को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो हम सब एंटी एजिंग के बारे में बात कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हमारे चेहरे को हमने प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमने इसका इस्तेमाल करना चाहिए, पर हम देखते हैं कि एक्चुअली इस एजिंग के प्रोसेस को प्रिवेंट या इसे धीमे करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उम्र बढ़ने को की रोकथाम के लिए हमें पहले
प्राकृतिक उम्र बढ़ावा को हम रोक नहीं सकते हैं, ये जानना चाहिए। तो हम सब जानते हैं कि ये जो नेचुरल प्रोसेस है या ये जो प्राकृतिक प्रोसेस है, इसे तो हम बिल्कुल रोक नहीं सकते हैं। तो हम किसे रोक सकते हैं? तो हमें उन चीज़ों को रोकना चाहिए जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स है। तो फर्स्ट थिंग हम देखते हैं कि सन सेफ लाइफस्टाइल होना चाहिए, कि सूर्य के किरणों से हमें हमारे त्वचा को संभालना चाहिए। तो इसके लिए हमें रोज़ एक सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए और फुल्ली कवर्ड कपड़े पहनना चाहिए, जिसके वजह से आपके हाथ, नेक और जो भी पार्ट ऑफ द बॉडी है वो ज़्यादा एक्सपोज ना हो सन में। तो हमें हमारे लाइफस्टाइल में भी परिवर्तन लाना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ कुछ अप्लाई कर लिया अपने चेहरे पे और ये प्रोसेस ऑफ एजिंग डिले हो जाएगा, पर हमें ये भी रखना चाहिए ध्यान में कि हम जो खाते हैं वो भी हेल्दी खाएं, सो दैट हमें सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स जो भी है वो खाने से भी हमें मिले और अंदर से वो रिफ्लेक्ट हो हमारे स्किन पे। तो हमें ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए जो अंदरी और बाहर दोनों में काम करें, प्रोडक्ट्स जिसमें रिसर्च्ड इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हो और ऐसा प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करने पे आपको एक्चुअली रिजल्ट्स दिखाए। तो ऐसे नहीं कि मैं कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ 4-5 महीने के लिए एंड कोई भी चेंज ना दिखे मेरे चेहरे पे। तो हम कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स पे फिर से पैसे डालने या फिर से उसे यूज़ करने में हमें कोई इंटरेस्ट या दिलचस्पी नहीं होगी। तो हमें ये देखना चाहिए कि अगर हम कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो हमें प्रॉपरली रिजल्ट्स दे। तो चलिए देखते हैं ये स्किन एजिंग प्रोसेस जो है वो कौन से एज में कैसे प्रोग्रेस होता है। तो अगर हम देखते हैं तो 20s to 30s के बीच में हमारे स्किन में ऑयल ब्रेकआउट्स, सूखी त्वचा, रफनेस और क्लैरिटी जो है वो कम हो जाती है। तो ये एंटी एजिंग प्रिवेंशन जो हम करेंगे वो जनरली हम 20 से 30 के एज में रेकमेंड करते हैं, ताकि बाय द टाइम यू आर 30 प्लस आपके चेहरे में वो फ्लॉलेस स्किन, सॉफ्ट एंड स्मूथ स्किन दिखे। तो रूखी त्वचा को अलविदा कहें और नर्म, चिकनी और उज्ज्वल त्वचा को अपनाइए। हम इसे कैसे अपनाएंगे? By using our Johara Anti-Aging Regime। तो ये एक त्वचा विज्ञान से बनाया हुआ Anti-Aging Regime है, जिसमें ओलीपेंट नाम का एक रिसर्च्ड इंग्रेडिएंट है। ये सेमी का एक पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है जो हमें Anti-Aging Benefits दे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये ओलीपेंट करता क्या है। तो ओलीपेंट हमारे स्किन प्रोटीन जो इलास्टिन और कोलेजन है उसे बढ़ाता है। तो ये इलास्टिसिटी को बढ़ाता है अप टू 80%। ये हमारे रिंकल्स को रिपेयर करने में मदद करता है, मतलब झुर्रियों को कम करने में मदद करता है बाय इनहिबिटिंग योर कोलेजनेज। तो कोलेजन एक स्किन प्रोटीन है, तो उसकी मात्रा को बढ़ाता है और झुर्रियों को कम करता है। ये अपने कोलेजन को बढ़ाता है, ये अपनी त्वचा की मरम्मत करता है, अगर आपके त्वचा में स्कार्स हैं तो उसे कम करता है और ये हमारे स्किन को एक समान रंगत देता है। तो हमने ये देखा कि ओलीपेंट क्या करता है, तो अब हम देखते हैं कि ये कितना परसेंट वो काम करता है। तो ये इलास्टिसिटी बढ़ाए 80%, झुर्रियों को कम करे अप टू 86%, कोलेजन को बढ़ाए अप टू 90%, त्वचा की मरम्मत करे अप टू 40% और आपकी त्वचा को एक समान रंगत दे अप टू 30%। तो हम ये कहते हैं कि ये रियल बिलीवेबल रिजल्ट्स है, क्योंकि जब हमने इन प्रोडक्ट्स को 150 औरतों पे ट्राई किया, तो हमने एक स्टडी किया जिसमें हमने 150 विमेन वॉलंटियर्स लिए और 2 हफ्ते हमने उन्हें ये प्रोडक्ट्स यूज़ करने बोला और उसके बाद हमने उनसे ये रिजल्ट्स डॉक्यूमेंट कराए। तो इस स्टडी से हमें ये पता चला कि 99% ऑफ विमेन ने बताया कि उनकी त्वचा में फर्मनेस जो है उसमें सुधार आया है। तो विच मीन्स उनका जो स्किन फर्मनेस है वो इम्प्रूव हुआ है। 98% ऑफ विमेन ने ये बताया कि उनके झुर्रियों में उन्होंने कमी देखी है, तो उनके जो फाइन लाइन्स और रिंकल्स है उसमें काफ़ी रिडक्शन हुआ है। 98% ऑफ विमेन ने ये बताया कि उनकी त्वचा, उन लोग काफ़ी सॉफ्ट, स्मूथ और युवा महसूस करते हैं, तो वो खुद
काफ़ी यंग महसूस करते हैं और इस वजह से हम कहते हैं कि हम इसे रियल बिलीवेबल रिजल्ट्स। तो अब देखते हैं कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तो आर्गन, कोकस न्यूसीफेरा विच इज कोकोनट, प्लुकेनिटिया वॉल्यूबिलिस, सबी वाइट, टर्मरिक ऑयल और कॉस्मोपेरिन। सो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे एंटी एजिंग रेजिम के प्रोडक्ट्स में हैं और इसके साथ सारे प्रोडक्ट्स में ओलिपेंट तो है ही, क्योंकि दैट इज़ द मेन एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट जो सेमी का रिसर्च्ड इंग्रेडिएंट है और पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है। तो जैसे हम हमारे सारे कॉस्मेटिक्स में अपना ब्रांड प्रॉमिस कायम रखते हैं, हमने ये एंटी एजिंग रेजिम में भी हमारे ब्रांड प्रॉमिस को कायम रखा है। तो ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, सर्टिफाइड है, पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री, फॉर्मेल्डिहाइड फ्री और सिंथेटिक डाई फ्री है। तो चलिए देखते हैं कि जोहारा एंटी एजिंग रेजिम किस बेसिस पे काम करता है। तो हमारा जोहारा एंटी एजिंग रेजिम जो है वो क्लेंजिंग, फ्रेशनिंग ऑफ योर फेस, विच मीन्स जो आपके चेहरे को तरोताज़ा बनाता है। क्लेंजिंग इज नथिंग बट सफाई। तो हम शुरू करते हैं अपने चेहरे की सफाई से, फिर जाते हैं उसे तरोताज़ा बनाने के लिए, फिर हम उसकी नमी बढ़ाते हैं बाय मॉइस्चराइजिंग इट, और फिर हम त्वचा की देखभाल करते हैं, विच मीन्स वी प्रोटेक्ट द फेस फ्रॉम ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो अब हम देखते हैं कि त्वचा का दिनचर्या देखभाल हम कैसे शुरू करते हैं। तो हम सब जैसे ही उठते हैं, हम सब जाके अपना फेस को वॉश करते हैं या क्लेंज करते हैं, बट काफ़ी लोग इसे सिर्फ पानी से करते हैं, विच इज़ स्टिल अ वेरी गुड हैबिट, बट हम सजेस्ट करेंगे कि आप अपना चेहरा एक क्लेंजर से क्लेंज करें सवेरे, सो दैट दिन भर आपका जो फेस है वो तरोताज़ा रहे। हम सब जानते हैं कि 30 की उम्र से कोलेजन में कमी होती है और उम्र का बढ़ावा त्वचा पे दिखने लगता है। तो रिसर्च ये बताता है हमें कि सवेरे जब हम क्लेंस करते हैं अपनी त्वचा को, वो हमारे त्वचा को फ्रेश और त्वचा की नमी, पूरे दिन में त्वचा की नमी बनाए रखने में मदद करता है। तो क्लेंजर एक ऐसा चीज़ है जो हमारे चेहरे से गंदगी को मिटाए और पिंपल जैसे एलर्जीज को आने से रोके। तो एक नेचुरल क्लेंजर के इस्तेमाल से हमारी त्वचा नम्र, ब्यूटीफुल बनी रहती है। झुर्रियों में कमी, हम नेचुरली देखते हैं कि झुर्रियाँ कम हो गई हैं और एंटीऑक्सीडेंट के वजह से उम्र का बढ़ावा धीमे हो जाती है। तो हम ये देखते हैं कि जो नेचुरल क्लेंजर है वो हमारे स्किन को ब्यूटीफुल, सॉफ्ट, फ्री ऑफ रिंकल्स और यंग रखती है। तो फेशियल क्लेंजर्स क्या करते हैं? क्लेंजर्स त्वचा के प्राकृतिक बाधा को डिस्टर्ब किए बगैर त्वचा पे काम करता है। तो हम सब जानते हैं कि स्किन का जो नेचुरल मॉइस्चर बैरियर है उसको कायम रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एंड इसलिए हम कहते हैं कि चेहरे पे आप हार्श सोप्स यूज़ ना करें, बिकॉज जब आप हार्श सोप यूज़ करते हैं अपने चेहरे पे तो ये नेचुरल बैरियर जो है, तो जो जिसे हम प्राकृतिक बाधा कहते हैं स्किन का, वो निकल जाता है, जिसकी वजह से हमारी नेचुरल मॉइस्चराइजेशन कम हो जाती है स्किन में। तो त्वचा को सवेरे क्लेंज करने से डेड सेल्स वॉश आउट हो जाते हैं। तो सवेरे जब हम फर्स्ट क्लेंज करते हैं त्वचा को, तो वो पूरा दिन त्वचा को फ्रेश फील कराता है और इस वजह से हम कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग जैसे ही आप उठते हैं, ये क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग का जो रेजिम है इसे आप फॉलो कीजिए, क्लेंजिंग एज द फर्स्ट स्टेप, सो दैट पूरा दिन आप एक फ्रेश फील के साथ रहे। तो दिन भर जब हमारी त्वचा पोल्यूशन को का सामना करती है और व्हेन हम मेकअप करते हैं और काफ़ी सारी गंदगी को हमारा चेहरा एक्सपोज होता है, तो तब भी ये जो क्लेंजर हमने यूज़ किया है वो हमारे चेहरे को थोड़ा प्रोटेक्ट करता है बिकॉज ऑफ द नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो उसमें प्रेजेंट है। तो क्लेंज करना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी त्वचा का टाइप या अपनी स्किन टाइप जांचें बिफोर सेलेक्टिंग एनी क्लेंजर। तो हम जानते हैं कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन। तो कुछ लोगों का नॉर्मल टू ड्राई स्किन होता है और कुछ लोगों का कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम एक क्लेंजर यूज़ करें तो हम हमारे स्किन टाइप के हिसाब से यूज़ करें ताकि वो हमें बेस्ट रिजल्ट्स दे।
तो ये ध्यान में रखते हुए जोहारा एंटी एजिंग रेजिम में हमने दो तरह के क्लेंजर्स लॉन्च किए हैं। तो एक है जोहारा एंटी एजिंग क्रीमी क्लेंजर जो है नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए, और एक है जोहारा एंटी एजिंग क्लैरिफाइंग क्लेंजर जो है कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन के लिए। तो देखते हैं ये जोहारा एंटी एजिंग क्लेंजर क्या है। तो ये एक शानदार कम फोम वाला क्लेंजर है जो चेहरे से गंदगी हटाए, त्वचा को पोल्यूशन से बचाए और उम्र बढ़ने के संकेत को कम करे। तो ये बनाया गया है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ, ये फॉर्मुलेट किया गया है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ जिसमें हमने एंटीऑक्सीडेंट्स भी दिए हैं जो आपकी त्वचा को उम्र से लड़ने में मदद करे। चलिए अब हम देखते हैं एक्शंस और बेनिफिट्स ऑफ दिस क्लेंजर। तो ये जोहारा एंटी एजिंग क्लेंजर जो है वो एक लाइट वेट क्लेंजर है जो चेहरे से अतिरिक्त तेल को निकाले। तो जो एक्सेस ऑयल होता है, तो भले ही वो ड्राई स्किन हो या ऑयली स्किन हो, वो आपके चेहरे में जो चिपचिपाहट है उसको निकालने में मदद करे। ये एफिशिएंटली आपके मेकअप को रिमूव करने में मदद करे, और इसका इस्तेमाल रोज हो सकता है क्योंकि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और बोटानिकल एक्सट्रैक्ट से बनाया गया है। ये अपनी त्वचा से गंदगी को मिटाता है, ये आपकी त्वचा को एक चमक देता है जो दिन भर वो चमक आपके चेहरे पे बने रहे, ये आपके चेहरे को युवा बनाए रखता है सो दैट यू लुक मोर यंग एंड योर स्किन लुक्स मोर फर्म, ये आपके त्वचा को फ्रेश और रेडिएंट रखे पूरे दिन। तो चलिए इसे हम अप्लाई कैसे करते हैं। गीले चेहरे और गर्दन पे हम इसे लगाते हैं, जैसे हम जनरली क्लेंस करते हैं अपने फेस को, अच्छे से हम क्लेंस करें और फिर गर्म पानी से इसे धो लें। सवेरे शाम दो बार इसका इस्तेमाल करने से बेहतर रिजल्ट्स मिलेगा। तो ये है आपके एंटी एजिंग क्लेंजर का MRP। तो क्लेंजर के बाद व्हाट इज द स्टेप दैट वी नीड टू डू। तो हमारे जो स्किन रूटीन देखभाल में आता है उसमें हम जानते हैं कि क्लेंजर के बाद हम हमेशा एक टोनर को यूज करते हैं। तो टोनर भी क्लेंजिंग का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। टोनर जो है वो एकदम पानी जैसा एक लिक्विड है जो हमारी त्वचा की नमी बनाए रखे और त्वचा की संतुलन बनाए रखे। ये टिपिकली एक अल्कोहल फ्री टोनर है। तो टोनर जनरली आपके चेहरे से गंदगी हटाए, पोर्स को साफ करे और त्वचा की देखभाल करे पोल्यूटेंट से। तो हम सब जानते हैं कि जब हम फेस को क्लेंस करते हैं या कभी स्क्रब करते हैं तो ये जो पोर साइज होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, तो ये पोर्स ओपन अप हो जाते हैं। तो जब हम टोनर यूज करते हैं आफ्टर क्लेंजिंग, ये पोर साइज स्मॉल हो जाते हैं और पोर्स में जितने भी डर्ट है वो सारा निकल जाता है। तो क्लेंजिंग के बाद त्वचा की pH मात्र को ये बनाए रखता है। तो टोनर्स में क्लेंजिंग इंग्रेडिएंट होते हैं जो त्वचा को साफ करे और स्मूथ बनाए रखे। तो चलिए देखते हैं जोहारा एंटी एजिंग बैलेंसिंग टोनर में क्या इंग्रेडिएंट्स है। तो इसमें हमने डाले हैं हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स जो क्लेंजिंग के बाद बहुत जरूरी होता है ताकि आपकी त्वचा रेडी हो टू फेस द पोल्यूशन। तो चेहरे की त्वचा पर रोज पोल्यूशन की वजह से बैक्टीरिया और अन्य गंदगी हमला करते हैं। तो जब हम इस टोनर का इस्तेमाल करते हैं ये उन अन्य बैक्टीरिया और जो भी गंदगी हमारे चेहरे पे क्लॉग हुआ है उसे मिटाने में मदद करता है। त्वचा को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और विटामिन से पोषण देता है और त्वचा का pH संतुलन बनाए रखता है। ये सारे स्किन टाइप्स को सूट करता है। तो जैसे हमने देखा कि क्लेंजिंग के लिए वी हैव टू बी केयरफुल कि नॉर्मल टू ड्राई के लिए एक अलग क्लेंजर है, कॉम्बिनेशन टू ऑयली के लिए एक अलग क्लेंजर है, बट टोनर अगर आप देखते हैं तो ये सारे स्किन टाइप्स के लिए एक सिंगल टोनर है। तो चलिए देखते हैं जोहारा एंटी एजिंग बैलेंसिंग टोनर क्या है। तो जोहारा एंटी एजिंग बैलेंसिंग टोनर एक नॉन ड्राइंग फॉर्मूला है जो आपके चेहरे से एक्सेस ऑयल और गंदगी को हटाए और त्वचा की नमी बरकरार रखे। तो ये हमारे चेहरे के जो टेक्स्चर है उसे इम्प्रूव करने में और उसे स्मूथ रखने में मदद करे। तो चलिए देखते हैं कि इसके एक्शंस और बेनिफिट्स क्या है। तो जोहारा एंटी एजिंग बैलेंसिंग टोनर चेहरे की त्वचा को फ्रेश बनाए रखे। ये एक नॉन चिपचिपा फॉर्मूला है। जनरली आप देखते हैं कि कभी कोई
प्रोडक्ट जब आप चेहरे पे यूज़ करते हैं तो वो आपको एक चिपचिप फील देती है जो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आती. पर अगर आप देखेंगे तो जोहारा एंटी एजिंग बैलेंसिंग टोनर जो है वो एक नॉन चिपचिपा फॉर्मूला है. ये त्वचा के स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाए. ये हमारे चेहरे से जितने भी मेकअप या उसके ट्रेसेस है या कोई भी इम्प्योरिटीज़ है, गंदगी है, उसे निकालने में मदद करे. ये स्किन पोर्स, जो पोर साइज है जैसे मैंने बताया, वो लार्ज हो जाते हैं जब हम क्लेंज करते हैं या जब गंदगी उसमें क्लॉग हो जाती है. तो टोनर के यूज़ करने से वो स्किन पोर साइज जो है वो छोटे हो जाते हैं. तो डायरेक्शंस, त्वचा को जोहारा एंटी एजिंग क्लेंजर से क्लेंज करें और उसके बाद कॉटन या कापूस से जोहारा एंटी एजिंग बैलेंसिंग टोनर को चेहरे और गर्दन पे लगाएं और इसे एब्जॉर्ब होने दें. तो आपका जोहारा एंटी एजिंग बैलेंसिंग टोनर आपको मिलेगा MRP एट ₹299. क्लेंजिंग और टोनिंग तो हो गया है, तो अब क्लेंजिंग और टोनिंग के बाद हम जानते हैं कि हम जाके सन पे हमारा चेहरा एक्सपोज करेंगे, बाहर निकलेंगे. बाहर नहीं भी निकले तो जो सन रेज हमारे घर के अंदर आते हैं उससे हमें हमारे चेहरे को प्रोटेक्ट करना है. तो इसलिए हमने बनाया जोहारा डे डिफेंस ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 30. तो ये एक मल्टी फंक्शनल सीरम है जिसमें एंटी एजिंग बेनिफिट्स है विथ सन प्रोटेक्शन. ये एक सीरम प्रोडक्ट है जिसे हम आफ्टर क्लेंजिंग और बिफोर मॉइस्चराइजिंग यूज़ करते हैं और ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का एक तेज़ बूस्ट देता है हमारे चेहरे पे. जैसे हम जानते हैं कि सीरम जो है वो एक फॉर्मुलेशन है जो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मुलेशन है जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं. तो जैसे ही हम एकदम थोड़ा सा क्वांटिटी उसे हम अपने चेहरे पे यूज़ करते हैं तो इमीडिएटली वो इंग्रेडिएंट्स अपने चेहरे पे एक्ट करने लगता है. हम ये भी जानते हैं कि सन रेज से जो UVA और UVB आते हैं वो मेन रीज़न है फॉर डैमेजिंग आवर स्किन और वो एक मेन रोल प्ले करता है अपने एजिंग प्रोसेस में. तो ये सीरम में SPF 30 है विच इज़ द सन प्रोटेक्शन फैक्टर, जिस वजह से हमारे चेहरे को ये सन रेज और UVA एंड UVB रेज से प्रोटेक्ट करे जो हमारी त्वचा पर झुर्रियों, फाइन लाइन और अनइवन स्किन टोन को कम करने में मदद करे. तो सीरम त्वचा की झुर्रियों को कम करने में मदद करे और त्वचा की रंगत एक समान बनाए रखे. जोहारा डे डिफेंस ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 30 एक ऐसा फॉर्मुलेशन है जो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंग्रेडिएंट से बनाया गया है ताकि थोड़ा इस्तेमाल करने से ही त्वचा में आपको ज़्यादा इफेक्ट दिखे. तो ये ओलीपेंट सामी का एक खास पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है जो कोलाजन बढ़ाने में और इलास्टिन बढ़ाने में मदद करे और ये हमारा जो सीरम है वो काफ़ी रिच है इस इंग्रेडिएंट में ताकि आपके चेहरे को एक चमक मिले. इसके इस्तेमाल से झुर्रियाँ कम होती हैं, फाइन लाइंस कम होती हैं और त्वचा की रंगत एक समान हो जाती है. ये अपने त्वचा के नमी को भी बरकरार रखे. अगेन हमने देखा कि टोनर कैन बी यूज्ड फॉर ऑल द स्किन टाइप्स, ऐसे ही जोहारा डे डिफेंस ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 30 कैन बी यूज्ड एंड इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप. तो अगर आपका नॉर्मल टू ड्राई स्किन है या आपका कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन है, आप ये सेम SPF 30 वाला लोशन यूज कर सकते हैं, सीरम यूज कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं कि जोहारा एंटी एजिंग डे डिफेंस ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 30 है क्या. तो ये एक लाइट वेट डे सीरम है जो सूरज की किरणों से आपके चेहरे को प्रोटेक्ट करे. ऐसा फॉर्मूला जो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया है और जिसमें ओलीपेंट जो सामी का एक खास पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है जो बाकी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ त्वचा को यंग बनाए रखे. तो चलिए अब हम इसके एक्शंस और बेनिफिट्स को देखते हैं. सीरम एक ऐसा फॉर्मूला है जो हाई कॉन्सेंट्रेशन इंग्रेडिएंट से बनाया जाता है ताकि थोड़े से मिले ज़्यादा फायदा. चेहरे को सूरज की किरणों से बचाए, चेहरे को फ्रेश बनाए रखे ऑन एप्लीकेशन. ये अपनी झुर्रियों को मिटाने में मदद करे, चेहरे को रेडिएंट और फर्म बनाए रखे और अपने चेहरे को फोटो डैमेज या सन प्रोटेक्शन दे. इसे हम कैसे अप्लाई करेंगे. जोहारा एंटी एजिंग डे डिफेंस ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 30
को सवेरे चेहरे पे और गर्दन पे क्लेंजिंग एंड टोनिंग के बाद और मॉइस्चराइजिंग के पहले हमें लगाना चाहिए। तो आपको जोहारा एंटी एजिंग डे डिफेंस ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 30 799 MRP पे मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है जोहारा एंटी एजिंग फर्मिंग नाइट रिजुनवेटिंग सीरम। तो अब हमने ये जाना कि क्लेंजिंग और टोनिंग के बाद ये डे डिफेंस सीरम जो है उसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है डे टाइम में। ऐसे ही रात में हम जब क्लेंजिंग करेंगे और टोनिंग करेंगे उसके बाद एक नाइट रिजुनवेटिंग सीरम की ज़रूरत बहुत है। तो हम जानते हैं कि ये जो सेल रीजेनरेशन है, मतलब जो नए सेल्स का फॉर्मेशन है हमारे स्किन पे, वो रात के 11 और सवेरे 4 के बीच में दुगना होता है। तो नए सेल्स का फॉर्मेशन जो है और त्वचा की जो मरम्मत होती है, या जिसे हम कहते हैं द स्किन रिपेयर प्रोसेस, वो भी रात को ही होती है। तो नाइट सीरम त्वचा को आराम से रिपेयर करने में मदद करे और नए सेल्स के फॉर्मेशन को सपोर्ट करे। तो इसलिए नाइट टाइम में अ सीरम लोडेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बहुत ही जरूरी होता है। तो इसे हम रात में क्लेंजिंग और टोनिंग के बाद और मॉइस्चराइजिंग के पहले इस्तेमाल करेंगे चेहरे और गर्दन पे। सवेरे चमकता हुआ फ्रेश चेहरा मिलेगा, क्योंकि रात को जब ये सेल रीजेनरेशन होता है तभी ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है वो आपके चेहरे पे विदाउट एनी हर्डल काम करेगा, और जब आप सवेरे उठेंगे आपको मिलेगा एक चमकता हुआ चेहरा। ये चेहरे को प्रोटेक्ट करे झुर्रियों से और एक समान रंगत दे। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है और जो चेहरे की त्वचा को ब्राइट, सॉफ्ट और स्मूथ बनाए रखे। तो ये भी सारे स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। तो क्योंकि ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो नॉर्मल स्किन या ऑयली स्किन पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें आपको अपने स्किन टाइप के लिए कोई अलग सा प्रोडक्ट चूज करने की ज़रूरत नहीं है और आप इसी नाइट सीरम को यूज़ कर सकते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर इज़ योर स्किन टाइप। तो चलिए जोहारा एंटी एजिंग फर्मिंग नाइट रिजुनवेटिंग सीरम क्या है। ये एक लाइट वेट नाइट टाइम सीरम है जो रातों रात त्वचा पर काम करे और त्वचा को बनाए फ्रेश। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो ओलीपेंट, एक पेटेंटेड सेमी का इंग्रेडिएंट है, और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट से बनाया हुआ है जो त्वचा को युवा बनाए रखने में मदद करे। चलिए अब हम इसका एक्शंस और बेनिफिट्स देखते हैं। सीरम एक ऐसा फॉर्मूला है जिसे आप जानते ही हैं, ये एक हाई कॉन्सेंट्रेशन फॉर्मूला है जिसके थोड़े इस्तेमाल से आपको ज़्यादा फायदा मिले। ये चेहरे को रातों रात रिपेयर करे, चेहरा को युवा बनाए रखे, सवेरे चेहरा लगे फ्रेश, झुर्रियों को कम करे और त्वचा बनाए सॉफ्ट एंड स्मूथ। तो इसे हम कैसे अप्लाई करेंगे? जोहारा एंटी एजिंग फर्मिंग नाइट रिजुनवेटिंग सीरम को रात में चेहरे और गर्दन पर क्लेंजिंग और टोनिंग के बाद और मॉइस्चराइजेशन के पहले लगाएं। तो आपको जोहारा एंटी एजिंग फर्मिंग नाइट रिजुनवेटिंग सीरम मिलेगा एट ₹799, विच इज द MRP। तो अब क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग तो हमने नहीं किया, उसके पहले हमने ये सीरम यूज़ किया है। तो अब हम करेंगे मॉइस्चराइजेशन अपने चेहरे का। सो वी नो दैट द प्रोसेस इज क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, बट सिंस इट इज़ एन एंटी एजिंग रेजिमेन वी हैव इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द सीरम जो मॉइस्चराइजिंग के पहले हम लगाएंगे। तो अब हम देखते हैं जोहारा एंटी एजिंग रिवाइटलाइजिंग मॉइस्चराइजर क्या है। तो हम सब जानते हैं कि एजिंग का जो प्रोसेस है उसे हम रोक नहीं सकते हैं डेफिनेटली, बिकॉज एक दिन हमारा उम्र जैसे बढ़ते जाएगा तो हमारे चेहरे पर वो ज़रूर दिखेगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि हम इस एजिंग प्रोसेस को डिले ज़रूर कर सकते हैं। तो इस एजिंग प्रोसेस को डिले करने में या अपने त्वचा की नमी बरकरार रखने के लिए मॉइस्चराइजेशन जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ये कोलेजन और इलास्टिन की कमी से नए सेल्स के फॉर्मेशन में कमी होती है। हम सब ये भी जानते हैं कि सूरज के किरणों पे जब हमारा स्किन ज़्यादा एक्सपोज होता है,
पोल्यूटेंट्स को ज़्यादा एक्सपोज होता है, इस वजह से चेहरे की जो त्वचा है वो जल्द ही एज होने लगती है। इन्हीं कारणों के वजह से चेहरे की नमी खो जाती है और फाइन लाइन्स और झुर्रियां को आसानी से चेहरे में प्रवेश मिलता है। मॉइस्चराइजेशन से चेहरा सॉफ्ट और स्मूथ बना रहता है और साइंस ऑफ एजिंग कम हो जाता है। गोपी, मॉइस्चराइजर चेहरे की त्वचा को हाइड्रेट करता है और प्रदूषण से हमारे चेहरे को प्रोटेक्ट करता है। अपना स्किन टाइप जानकर मॉइस्चराइजर खरीदे। तो जैसे हमने देखा कि टोनर और ये जो डे सीरम और नाइट सीरम है, उसके लिए स्किन टाइप का जानना ज़रूरी नहीं था, बिकॉज वो कॉमन था जो सारे स्किन्स के लिए सूटेबल थे। बट जैसे हमने देखा कि क्लेंजर हमने बनाया है नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए एक अलग क्रीमी क्लेंजर, और कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन के लिए एक क्लैरिफाइंग क्लेंजर। उसी तरह हमने ये ध्यान में रखते हुए मॉइस्चराइजर भी अलग बनाया है फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन एंड फॉर कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन, क्योंकि ऑयली स्किन चाहता है एक नॉन ग्रीसी मॉइस्चराइजर जो नॉन चिपचिप रहे, और ड्राई स्किन चाहता है एक सीलिंग मॉइस्चराइजर जो मॉइस्चर को ड्राई स्किन पे सील करे। सो मॉइस्चराइजर्स जनरली त्वचा की पीएच को बैलेंस रखे और त्वचा की एकमात्र रंगत को कायम रखने में मदद करे। जोहारा एंटी एजिंग रिवाइटलाइजिंग मॉइस्चर एक सही मॉइस्चराइजर है जो ऑयली या ड्राई स्किन के लिए अलग फॉर्मुलेशन बेस से बनाया हुआ है। ये ओलीपेंट सामी का एक खास पेटेंटेड इंग्रेडिएंट से बनाया हुआ है जो बाकी एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ मिलकर त्वचा को युवा और त्वचा की नमी रखने में मदद करे। चलिए अब हम इसका एक्शंस और बेनिफिट्स देखते हैं। तो ये त्वचा की नमी लौटाए, ये एक बहुत रिच और लग्जूरियस प्रोडक्ट है जिसके एप्लीकेशन पे आप अपने स्किन को इमीडिएटली सॉफ्ट फील करेंगे। ये काफ़ी लाइट वेट है और बहुत जल्दी ही अब्जॉर्ब हो जाता है। ये एक नो चिपचिप फॉर्मूला है कि आफ्टर एप्लीकेशन आपको वो चिपचिप फीलिंग नहीं होती है। ये ऑयल कंट्रोल करे, ये आपके स्किन को क्लियर और चमकता हुआ बनाए, ये आपके फाइन लाइन्स को रिड्यूस करने में आपकी मदद करे और त्वचा को बनाए रखे फ्रेश, चमकता हुआ और सॉफ्ट। तो हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? सो जोहारा एंटी एजिंग रिवाइटलाइजिंग मॉइस्चराइजर को दिन और रात में इस्तेमाल करें। इसे क्लेंजिंग, टोनिंग और सीरम एप्लीकेशन के बाद अप्लाई करें। तो हम पहले क्लेंज करेंगे अपने फेस को, फिर टोनर का इस्तेमाल करेंगे। डे टाइम में हम SPF 30 वाला सीरम यूज़ करेंगे, नाइट टाइम में हम नाइट सीरम यूज़ करेंगे, और आफ्टर द सीरम गेट्स अब्सॉर्ब्ड हम ये मॉइस्चराइजर लगाएंगे। तो जोहारा एंटी एजिंग रिवाइटलाइजिंग मॉइस्चराइजर आपको मिलेगा एट ₹499। तो चलिए अब हम डे टाइम रेजिम और नाइट टाइम रेजिम देख लेते हैं। तो डे टाइम में हम यूज करेंगे क्लेंजर, टोनर, डे डिफेंस SPF 30, अंडर आई क्रीम विथ कोएंजाइम Q10 जिसे भी हमने लॉन्च किया है, और मॉइस्चराइजर। और नाइट टाइम रेजिम में हम यूज करेंगे क्लेंजर, टोनर, नाइट रिजुनवेटिंग सीरम, अंडर आई क्रीम विथ कोएंजाइम Q10 और मॉइस्चराइजर। तो अब मैं आपको ये प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी। सो के बारे में जानकारी ले ली है, तो चलिए अब मैं आपको ये किट दिखाती हूँ। तो ये है हमारा एंटी एजिंग किट जो है फॉर नॉर्मल एंड ड्राई स्किन, और ये है हमारा एंटी एजिंग किट जो है कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन के लिए। तो इसमें डिफरेंस ये है कि नॉर्मल टू ड्राई स्किन इज इन द पिंक कलर एंड कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन इज इन द पर्पल कलर। तो ये किट हमने इसलिए बनाया है ताकि आपको इसको इस्तेमाल करने का एक मौका मिले, अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट करने का एक मौका मिले, लुक एंड फील ऑफ द प्रोडक्ट मिले, और आपको पता चले कि ये कितना एफिशिएंट है। आप सब जानते ही हैं कि इस किट के अलावा हर प्रोडक्ट इज अवेलेबल एज अ सिंगल SKU जिसे आप खरीद सकते हैं और यूज कर सकते हैं। आई एम श्योर आप बहुत एक्साइटेड होंगे एंड आई एम श्योर कि आपने काफ़ी खरीद के यूज कर भी लिया होगा। मैं चाहती हूँ कि आप इसे इस्तेमाल करते रहे और हमें फीडबैक देते रहे इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच।